कस्टमर का मसला है एक्चुअली। इसमें गाड़ी कभी कभी एक्सीलेटर काम करना छोड़ देती है। आज सिखाएंगे इस वीडियो में कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ चुकी है इसमें, किस वजह से हमारी गाड़ी एक्सीलेटर नहीं ले पा रही है। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी गाड़ी में चेक इंजन लाइट कंटिन्यू ऑन है। सबसे पहले इसको स्कैन करेंगे, आप देख सकते हैं आरपीएम कितना हाई है इसमें। कभी कभी ये मसला आ जाता है, ऑल्टो केटर में ये प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी गाड़ी में आ सकती है। मारे भी हमारे पास ये ऑल्टो केटर है। अभी सबसे पहले हम स्कैन करके ले लेंगे इसको, रेड फॉल्ट करेंगे। रेड फॉल्ट टोटल पोजीशन सेंसर ये कोड बन रहा है इसमें एक्चुअली फ्रेंड। अभी बाहर चल के दिखाएंगे कि एक्चुअली किस में सेंसर ए सेंसर बी भी आ रहा है दोनों, यानी कि पैडल का भी और टोटल बॉडी का भी कोड आ रहा है इसका। एक्चुअली मेरे ख्याल से लगता है मुझे इसमें वायरिंग का मसला होगा। अभी सबसे पहले हम देख सकते हैं अभी एक्सीलेटर थोड़ा काम, एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं, काम भी नहीं कर रहा। हम गाड़ी को पुश कर रहे हैं, हमारा एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा, हमारा आरपीएम भी नहीं। आप देख सकते हो फ्रेंड मैं पैर इसमें पुश कर रहा हूँ मगर हमारा एक्सीलेटर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी चेक इंजन लाइट भी कंटिन्यू ऑन है। सबसे पहले हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के दिखाएंगे हम आप। सबसे पहले जो थ्रोटल बॉडी का कपलर लगा रहता है, जो थ्रोटल बॉडी है, जो उसकी वायरिंग है इससे में, वो पूरा चेक करवाएंगे आपको। अभी हम आ चुके गाड़ी में बाहर, आप देख सकते हैं हमारा आरपीएम कितना हाई है अभी इसमें। एक्चुअली ये तभी होता है जब हमारी वायरिंग में मसला आ जाता है, वायरिंग काट होने की वजह से हमारी आरपीएम हाई हो जाता है। आज सिखाएंगे एक्चुअली इसमें गाड़ी में किस जगह प्रॉब्लम आई। सबसे पहले हम एयर फिल्टर को खोल के ले लेंगे, एयर फिल्टर खोलने के बाद दिखाएंगे हम आपको फ्रेंड। आप देख सकते हैं अभी हमने एयर फिल्टर खोल के ले लिया, आप देख सकते हैं इसमें थ्रोटल बॉडी में कितना जंग आ चुका है, इसको भी क्लीन करके ले लेंगे। मगर अभी हमारा मसला है वायरिंग में एक्चुअली, अभी हम निकाल के ले लेंगे इसको। अभी आप देख सकते हैं ये कपलर हमने बाहर निकाला, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी गाड़ी में, क्योंकि हमारी गाड़ी अभी स्टार्ट है। एक्चुअली जो मसला है इसमें कहीं वायरिंग ब्रेक हो चुकी है। अभी सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करेंगे हम, वोल्टेज चेक करने के बाद दिखाएंगे हम आपको कि वायरिंग में कहां पर मसला आ चुका है। सबसे पहले गाड़ी को करते हैं बंद, बंद करने के बाद दिखाएंगे हम आपको। हमारी गाड़ी हो चुकी है बंद। एक्चुअली इसमें आता है 2, 4 और 6 कपलर का आता है, आप देख सकते हैं इसमें 6 पिन का कपलर रहता है। इसमें जो ये रहते हैं 2 मोटर के रहते हैं, जो टोटल बॉडी में लगा होता है मोटर, ये पहले इसकी 12 वोल्ट आनी चाहिए। और जो रहते हैं ये एक्सीलेटर पोजीशन सेंसर के 2 ईसीएम से आते हैं, 4 5 वोल्ट 2 और ग्राउंड 1 और सिग्नल वायर रहती है इसमें। ये भी चेक करवाएंगे इसमें सबसे पहले, सबसे पहले चेक करवाएंगे इसमें 4.5 वोल्ट आनी चाहिए, ये ठीक है ये वायर, और दूसरी 5 वोल्ट आनी चाहिए बिल्कुल प्रॉपरली है। तीसरी हमारी ग्राउंड आनी चाहिए, इसको यहाँ से हम प्लस पे लगाएंगे, ग्राउंड प्रॉपरली आ रही है हमारी 12 वोल्ट। और फिर से दिखाएंगे ये हमारी ग्राउंड रहेगी, वो भी प्रॉपरली आ रही है। और ये हमारे रहने चाहिए मोटर के 1 वायर, दूसरा हमारा ये है एक्चुअली प्रॉपरली ये करंट नहीं आ रही है मोटर में अभी। हमारा वायरिंग में ही मसला है, सबसे पहले वायरिंग यहाँ से ब्रेक हो सकती है। एक्चुअली इसमें मसला आ जाता है यहाँ पर, ये जो वायरिंग रहती है इसको चेक करेंगे। और जो ईसीएम है हमारा इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती, सबसे पहले हम ईसीएम को ही यहाँ से खोल के ले लेंगे। इसको जो अंदर मोटर के 2 पिन रहते हैं उसको साफ़ करेंगे, उसको थोड़ा सा टाइट भी करेंगे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और हमारा जो थ्रोटल बॉडी इसको भी क्लीन करके ले लेंगे। जो मसला है हमारा वायरिंग का है, सबसे पहले हम ईसीएम को चेक करेंगे, ईसीएम को चेक करवाने का दिखाएंगे हम आपको। अभी हम खोल रहे हैं इसका ईसीएम, इसको खोल के ले लेंगे। खोलने के बाद यहाँ से हम पेज से इसको स्लाइड करके निकालेंगे ये बाहर, क्योंकि कभी कभी मसला आ जाता है यहीं पर हमारा, जिसकी वजह से हमारा एक्सीलेटर काम करना छोड़ देता है। जो ये 2 प्रोग रहते हैं ये मोटर के रहते हैं, मोटर की 2 वायर रहती है, इनकी वजह से यहाँ जंग है,
लूज़ होने की वजह से हमारा ये प्रॉपरली काम नहीं करता। अभी इसको क्लीन करके ले लेंगे, बाद में दिखाएंगे। अभी जो हमारा मसला था यही पर वायरिंग में मसला था, क्योंकि कभी जो ये मोटर के वायर दो रहते हैं ये लूज़ होने की वजह से हमारा कभी कभी एक्सीलेटर काम करना छोड़ देता है। इसको भी देखना चाहिए, जो यहाँ पर ये वायरिंग लगी होती है यहाँ से मेन वायरिंग, कभी कभी इसमें भी वायरिंग काट हो जाती है जिसकी वजह से हमारा एक्सीलेटर काम करना छोड़ देता है कभी कभी। किस केस में टोटल बॉडी ख़राब भी हो सकती है उस केस में भी। अभी जो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर निकली, इसको हम फिक्स करने के बाद इसको दिखाएंगे कि अंदर चल के गाड़ी को स्टार्ट और कैलिब्रेशन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने इसमें टोटल बॉडी वॉश की है। टोटल बॉडी वॉश करने के बाद इसमें कैलिब्रेशन होती है। अभी हमारा ए सी एम यहाँ से प्रॉपरली हो चुका है। अभी हम दिखाएंगे यहाँ से हमको ये लगा के लेना है जो टोटल बॉडी का कपलर रहते हैं। सबसे पहले हमको इग्निशन ऑन और ऑफ करना है। अभी हमारा टोटल का काम कर रहा है इग्निशन पे। एक्सीलेटर मारो, हमारा प्रॉपरली अभी यहाँ से वर्क आ गया। अभी हमारा प्रॉपरली वर्क में है। अभी हम अंदर चल के कैलिब्रेशन मारेंगे, कैलिब्रेशन के बाद गाड़ी को कर देंगे स्टार्ट। सबसे पहले हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, हमारा इग्निशन ऑन रहना चाहिए। ऑन करने के बाद हमारा जो डीटीसी पहले बन रहा था करंट में बन रहा था, अभी हम रीड करेंगे फॉल्ट को। कभी कभी फ्रेंड अभी ये हिस्ट्री में आ चुका, क्योंकि हमारा वायरिंग का मसला था पहले, प्रेजेंट में आ रहा है, अभी हिस्ट्री में आ रहा, हमारा काम हो चुका। कभी कभी मसला आ जाता, किसी किसी स्कैनर में कैलिब्रेशन नहीं हो पा रही है, उस केस में कैसे आप कर सकते हो वो इस वीडियो में आप देख सकते हो। सबसे पहले रीड कर रहे हैं हमको फॉल्ट, हमारे फॉल्ट पहले आने चाहिए, नहीं आ चुके इसमें फॉल्ट। थ्रॉटल बॉडी का कपलर बाहर निकाल के पहले क्रिएट करो कि उसका फॉल्ट आना चाहिए। यहाँ पर फॉल्ट आ चुका है, थ्रॉटल बॉडी का कपलर लगाओ। कपलर लगाने के बाद आप क्लियर करो यहाँ से। क्लियर होने की वजह से हमारा जो थ्रॉटल बॉडी में कैलिब्रेशन भी हो जाती है, इसी के साथ साथ हमारा जो अभी हमने फॉल्ट क्लियर करके ले लिया, हमारा कैलिब्रेशन भी हो चुका है। अभी सबसे पहले हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ये हमारी गाड़ी हमारी स्टार्ट करेंगे। अभी गाड़ी हमारी प्रॉपरली स्टार्ट है। पहले आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर आरपीएम हमारा हाई हो जा रहा था। अभी आप देख सकते हैं हम एक्सीलेशन करेंगे, आप देख सकते हैं एक्सीलेटर प्रॉपरली हो रहा है गाड़ी में। पहले हम पुश कर रहे थे एक्सीलेटर को, एक्सीलेटर हमारा काम नहीं कर पा रहा था, अभी हमारा काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारी इस वीडियो को शेयर और लाइक करना, कमेंट भी करना हमारा ये वीडियो कैसा रहा। प्रॉपरली रेस ले रही है गाड़ी, ओके। अभी बाहर चल के दिखाएंगे। हेलो, अभी आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी प्रॉपरली स्टार्ट है। अभी गाड़ी में फोल्ड करनी, एक्सीलेशन प्रॉपरली ले रही है। अभी रेस करो।